Right. So see this. So angle sulfur is prepared by pouring Na2SO3 into hot and concentrated HCl, and sulfur is extracted out. Now this will have na S6 rings beta. Pehle teen alpha beta gamma kya the beta? S8 rings the na. And angle sulfur will have S6 rings. Is tarah se rahenge. And that will be rhombohedral in crystalline form. Okay. Done? Right. Now see, everything, if at all I put it in one particular line here, think this way. Sulfur, S8, roll sulfur jo tha, usko humne 119 degrees pe heat kiya, to ek molten form aaya. Aur usko agar 160 tak lekar chale gaye, to sulfur S8 chains will break to form di radicals here. ठीक है, सो ये जितने भी एसेट है वो सारे टूट के डाई रेडिकल्स जैसे बन चुके हैं. ठीक है, और अगर वो डाई रेडिकल्स को व्हाट यू से, इफ वी कीप दोस डाई रेडिकल्स, मतलब थोड़ा कंडेंस करोगे उसको अप टू 200 डिग्रीज की, ऐसे समझो ये 200 डिग्रीज तो लेकर चले गए, तो ये डाई रेडिकल्स सारे टूट के आपको लॉन्ग चेन बनाएंगे अभी सल्फर. सो अगेन इट विल बिकम विस्कस. तो क्या होगा, पहले बेटा मॉल्टेन फॉर्म जो आएगा ना, करेक्ट, वो पहले थिन लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा जब डायरेडिकल बनेंगे, तो क्योंकि 160 डिग्रीज पे डायरेडिकल बन रहे हैं, और उसको और थोड़ा हीट कर दो तो अभी एकदम थिक बन जाएगा, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम लॉन्ग चेन. ठीक है सर, डायरेडिकल स्टेबल नहीं है ना? ना, नॉट स्टेबल. S2 इज नॉट स्टेबल. Okay. सर, तो उसको हीट करने के बाद क्या बनता है? फिर से ये भी रेडिकल टूट के सारे सल्फर्स एक दूसरे को जोड़ के एसिड बना रहे. सर मतलब एसिड सॉलिड से एसिड लिक्विड बना, फिर एसिड लिक्विड से वापस एसिड लिक्विड बना, एसिड बन रहा है. करेक्ट. नाउ ये एसिड वेपर्स आ रहे, करेक्ट. अच्छा. मतलब पहले ये हाई टेम्परेचर तक एग्जिस्ट करे 200 तक, उससे और थोड़ा हीट कर दो तो वेपर बन जाएंगे वो सारे. ओके. अब ये जो वेपर्स आए ना, ठीक है, अब ये वेपर स्मॉलर, अगर 200 डिग्रीज के ऊपर लेकर जाओ तो ये वेपर्स जितने भी एसेट वाले हैं, करेक्ट, वो पूरे स्मॉलर चेन्स में टूट जाएंगे और रिंग्स में आ जाएंगे, एसेट के रिंग्स, करेक्ट, और थोड़े थोड़े स्मॉलर चेन्स वो सारे रहेंगे, मिक्सचर रहेंगे उन सबके. ओके. ओके सर. एंड दैट बिकॉज ये जैसे आ जाएगा ऊपर आ जाएंगे तो विस्कोसिटी सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाएगा अभी. और एट अराउंड 444 डिग्री सब कुछ वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ सल्फर. ओके बेटा. ठीक है, अब यही सल्फर को फर्दर 600 डिग्री तक लेकर जाओगे तो एवरीथिंग विल बिकम ओनली डाई रेडिकल गैस, S2 गैस. सर ये स्टेबल रहता है? कौन सा बेटा? S2 गैस. S2 in the gaseous state is stable. Yes. This is a liquid state na yahan par. Achha. So just like O2 gas. Just like O2 gas. Now S2 in the gaseous state is a stable gas. Sir, ye long chain ke baad small chain, wo long chain toot jata hai smaller chain. Dekho, ye long chain bana aise. Pehle sare S aise long chain bane. Correct? Sir. Ab ye long chain toot gaya at greater than 200 degrees. Aur wo kya ban gaye? S2 छोटे छोटे बन गए, फिर से S2, फिर ऐसे वाले बन गए 6 वाले, फिर 8 वाले, क्राउन वाले, ऐसे बन गए. कोई भी रैंडम ऑर्डर में टूट सकता है. हाँ, कोई भी रैंडम ऑर्डर में टूट सकता है. तो थोड़े रिंग्स बन गए, थोड़े स्मॉलर चेन्स बन गए, करेक्ट. अब ये जो भी बने वो सारों को, अभी वो लिक्विड में ही है तो फिर से विस्कोसिटी कम हो गया. सर बीच में वेपर बना था ना, फिर से किसमें बेटा? ये सब कुछ लिक्विड की बात करे, मॉल्टेन फॉर्म है, ये भी मॉल्टेन फॉर्म है, ये भी मॉल्टेन फॉर्म है, ये भी मॉल्टेन फॉर्म है, सब कुछ वेपराइज हो जाएगा 444 डिग्रीज पे. ओके, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. हां सर. सो आपको क्वेश्चन क्या आएगा पता है? ये आएगा, व्हाट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, करेक्ट. ठीक है. सेकंड, व्हाट विल हैपन व्हेन यू हीट अबाउट 200 डिग्रीज, दैट्स इट. ये दो पॉइंट को ध्यान देना. यस. नेक्स्ट, see what are the compounds of sulfur. First, H2S, hydrogen sulfide. Usually in the lab we prepare by FeS. FeS को dilute HCl के साथ add कर दोगे, so आपको H2S gas मिलेगा. कैसे? If you take FeS, add it with HCl,
it will become FeCl2 plus H2S gas. Same thing, if SB2S3, if you take with HCl, will become SbCl3 and H2S gas will release. Okay? Yes. FeS को जो dilute HCl के साथ use करते हैं उसको कहते हैं Kipps apparatus. This is one apparatus through which we will use these two, we will connect these two to get H2S gas. Okay? Yes. Now H2S beta, H2S में sulfur is at minus two oxidation state ना? अगर वो माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या वो अपने आप को और फर्दर रिड्यूस कर सकता है? नहीं ना, नहीं सर, इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, व्हिच मींस इट विल एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है सर, एस टू ना, एच टू एस, एच टू एस, एच टू एस. सी एच टू एस नॉर्मली हैज अ रॉटन एग स्मेल, करेक्ट? And if you treat with anything like K2Cr2O7, KMnO4, ये sulfur की तरह precipitate हो जाएगा. X2 के साथ भी sulfur की तरह precipitate हो गया. FeCl3 के साथ sulfur की तरह precipitate हो जाएगा. Okay, SO2 के साथ भी sulfur की तरह precipitate हो रहा है. H2O2 के साथ sulfur की तरह. Ozone के साथ भी sulfur की तरह precipitate हो रहा है. ठीक है? So, इस सारे cases में sulfur की तरह बन जाएगा. Okay? और यूजुअली इसका टेस्ट क्या करते ना बेटा, H2S का, H2S को आप कोई भी कैडमियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करो, CDS precipitate बनेगा, which is येलो कलर precipitate. लेड के कोई भी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करो तो PbS precipitate बनेगा, which is ब्लैक कलर precipitate. ओके, सो दैट इज अबाउट H2S. यस, नेक्स्ट CSO2. ओके, प्रिपरेशन वाइज इफ यू लुक एट इट, first if you take burning sulfur, that is sulfur plus O2 and heat it, so we'll get this as SO3 plus SO2 plus SO3. ठीक है, usually SO2 is major because SO3 ज्यादा stable नहीं होता है. Okay, and acidification of SO3 2 minus or S2O3 2 minus, ये दोनों में आप कोई भी acid डालोगे like dilute HCl, it will release SO2 gas. Okay, so Na2S2O3, Na2SO3, ये दोनों में ही आपको S आ जाएगा. Okay, SO2 आ जाएगा. Okay. And FeS2 को oxidize कर दो, तो वो भी SO2 दे देगा. These are the preparation reactions. SO2 को prepare करने के reactions. Next, if you check out the structure, SO2 has angular structure and sp2 hybridization. इसमें से एक जो pi bond रहेगा वो पी पाई रहेगा, एक पाई बॉन्ड रहेगा वो पी पाई डी पाई रहेगा. दैट कम्स ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन. क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, 3s2 3p4 है, राइट? सो यहाँ पर हमने एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रखा, पी में 1 2 1 2 3 रखा मैंने, ठीक है, और डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट? तो एक इधर रखा मैंने, एक पेयर को ऐसे ही रख दिया, करेक्ट? सो नाउ व्हाट हैपेंड हियर, if you look at this, ये तीनों मिलके sp2 hybridize बना चुके हैं. तो sp2 hybridize में एक पेयर है, दो जगह unpaired electron है, right? This is sp2 hybridization. Yes. Now you can see this electron and this electron, right? ये दोनों electrons ना अभी तक कोई bond नहीं किए. So what is a bond we can make now? So this electron can make a pi bond with oxygen. This electron can make a pi bond with this oxygen. So one pi bond is forming between this p orbital and the oxygen's p orbital. So the p here, the pi bond is between 2p pi and 3p pi. Okay? And yes, this side it is between 3d pi and 2p pi. Yes. Is that clear? Right. So that's how it is. It has one p pi and one p pi d pi. And this is another typical J advanced question to find the number of p pi d pi. Yes, sir. Right. Now you see, it is colorless pungent odor gas. It will have this suffocating effect. Now, because its oxidation state is plus 4, it can oxidize itself to plus 6 and it can reduce itself to minus 2, which means it can act like oxidizing agent as well as reducing. Or it is in the middle now of the maximum. It is in the middle. Minimum. Correct. Yes, sir. Okay. And SO2
will become SO4 2- and SO2 as an oxidizing agent can become sulfur. Okay? So, देखो addition reactions. पहले addition reactions देखते हैं जिसमें कि ये plus 6 में convert हो रहा है. So, SO2 को अगर chlorine के साथ add कर दो तो वो बन जाएगा SO2Cl2 which we call it as sulfuryl chloride और उसका oxidation state हो जाएगा plus 6. Okay? Okay. And SO2 plus half O2 in the presence of vanadium pentoxide, it will become SO3. PbO2 in the presence of SO2 will become PbSO4. Correct? तो यहाँ पर भी ये सारे में addition होकर ये oxidation state plus 6 की तरफ चला जा रहा है. ठीक है बेटा? Okay, sir. Second thing is SO2 can also act like bleaching agent, बेटा. ऐसा क्यों? Bleaching में क्या करते हो? देखो. SO2 in the presence of O2 is becoming SO3. ठीक है? And water will give nascent hydrogens. अब ये जो nascent hydrogen है ना, ठीक है? ये nascent hydrogen, क्योंकि sulfur oxidized हुआ है, तो यहाँ पे H hydrogen reduced हुआ है. So this nascent hydrogen will take away the color formation. ठीक है? अब क्या करोगे ना? इसको थोड़ा सा rub कर दोगे, right? ये SO3 gas है ना, SO3 गैस को जैसे ही आप इसको nascent hydrogen के साथ रब कर दोगे फिर से, ठीक है, so again it will become SO2 plus H2, clear? तो अब again फिर से nascent hydrogen oxidize हो जाएगा, okay? और sulfur trioxide reduce हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना SO3 ज़्यादा stable नहीं होता, इसके लिए इसको temporary bleach की तरह use करते हैं बेटा, अच्छा, okay? जब तक वाटर कंटेंट है, ठीक है, तो रिएक्शन पीछे चला जाएगा, करेक्ट? Okay. अब जैसे ही आप उसको नेसेंट हाइड्रोजन को बढ़ा दोगे, मतलब SO3 को बढ़ा दोगे, तो रिएक्शन आगे चला जाएगा, है ना? हाँ. तो इसको भी मैजिशियंस यूज करते हैं एज ए गैस, पता है? आप एक पेपर पे लिखते हो, करेक्ट? हाँ. आप एक कुछ पेपर पे लिख दो कोई पेन के साथ, करेक्ट? Okay. और उसको SO2 के साथ थोड़ा सा हीट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वो ब्लीच हो जाएगा और अच्छा. पूरा ब्लैंक हो जाएगा पेपर, ठीक है? हाँ. अब वही ब्लैंक पेपर के ऊपर फिर से थोड़ा सा SO3 गैस डाल दो तो क्या हो जाएगा, फिर से SO2 प्लस H2 बन जाएगा, फिर वो कलर आ जाएगा. ओ हाँ सर, समझा? तो ये टेम्पररी ब्लीच है. कहीं कहीं किसी किसी केसेस में मैजिशियंस यूज करते हैं जहां पर आपको सामने कुछ दिख नहीं रहा है, फिर सडनली कुछ दिखने लग जाएगा वहां पर. हाँ सर, दैट हैपेंस बिकॉज़ ऑफ दिस. Yes, sir. Right. Next. और chlorine भी तो bleaching agent है ना? हाँ बेटा, that is permanent bleach. Chlorine, ozone, सारे permanent bleach है. SO2 is temporary bleach. मतलब bleach होने के बाद आप फिर से उसको re-bleach, मतलब you are able to get that thing, you know, back again, correct? Sir, तो clothes को जो bleach करते हैं, मतलब उसका color निकालने के लिए, जैसे jeans और वो सब bleach jeans रहते हैं, वो temporary bleach नहीं रह सकता ना फिर? हाँ बेटा, तो उसमें क्लोरीन यूज करते हैं क्या? हाँ, उन सब में क्लोरीन या आपको ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 यूज करते हैं. अच्छा, ओके. क्लियर? हाँ सर. राइट, नेक्स्ट CSO3. नो, SO3 is prepared when you add, SO2 in excess with O2, then you will get SO3. SO3 का structure ऐसा होता है, इसमें एक PpPpi होगा, दो PpDpi होते हैं, okay? And it will be trigonal planar structure. And SO3 को थोड़ा सा compress कर दोगे ना gas को, तो वो solid form में भी convert हो जाएगा in a cyclic form. तो this is called gamma sulfur, which will exist this way. ठीक है, सो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ओके, सो इस तरह से बन जाएगा. क्लियर बेटा? हाँ सर. एंड ये अगर स्ट्रेट सल्फर ऐसे आ जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे बीटा सल्फर, करेक्ट? बीटा सल्फर ट्राइऑक्साइड, सॉरी सल्फर नहीं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड लिखना भूल गया, अल्फा ट्राइऑक्साइड. ठीक है, सो गामा
ट्राइऑक्साइड गामा एसओ थ्री इज अ साइक्लिक फॉर्म बेटा, करेक्ट? एंड डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर वो हो सकता है कि स्ट्रेट चेन भी बन जाए इस तरीके से, दैट इज बीटा फॉर्म. ओके, एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टेम्परेचर एंड प्रेशर यू आर गेटिंग, यू माइट एंड अप गेटिंग अल्फा सल्फर ऑल्सो विच इज क्रॉस लिंक्ड ऑफ द लीनियर पॉलीमर. यही लीनियर पॉलीमर जो ऐसे बन रहा है ना, इस तरह से बन रहा है ना, और ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल बन रहा है, दोनों के बीच में कोई ऑक्सीजन का कनेक्शन आ गया बीच में इस तरीके से. सो दैट इज लीनियर पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड लीनियर पॉलीमर. ठीक है, ओके. सो दैट विल बी गामा सल्फर. ठीक है, नेक्स्ट. SO3 can only be treated as oxidizing agent because it is at the highest oxidation state now. So it can convert anything like HBr to Br2, P4 to P4O10, है ना? तो देखो HBr को ये convert कर दिया Br2 में और P4 को convert कर दिया P4O10 में, okay? So it is acting like P4O10 में. हाँ बेटा, highest oxidation. फॉस्फोरस का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन है P4O10. यस, नेक्स्ट फोर्थ वन SOCl2. SOCl2 का प्रिपरेशन देखो, थायोनिल क्लोराइड. सो PCl5 प्लस SO2 इफ यू रिएक्ट इट विल बिकम POCl3 प्लस SOCl2. ओके, एंड रिएक्शंस वाइज इफ यू लुक एट इट, SOCl2 इन वाटर विल बिकम H2SO3 प्लस HCl. ओके, राइट, ये सिंपल प्रिपरेशन, एक ही स्टेप प्रिपरेशन है बेटा. PCl5 को आप SOCl2 के साथ रिएक्ट कर दो तो वो बन जाएगा SOCl2 एंड POCl2, POCl3. अब ये SOCl2 विच इज थायोनिल क्लोराइड, इफ यू एड इट विथ वाटर दिस विल बिकम H2SO3 और ये HCl बन जाएगा. उसको वार्म कर दो तो वाटर और SO2 गैस बाहर आ जाएगा. ठीक है, बेसिक मीडियम में डालोगे तो सॉल्ट बनेगा Na2SO3 प्लस HCl. ओके, दिस इज द मैकेनिज्म. OH अटैक किया, क्लोरीन निकला, फिर और एक बार OH अटैक किया, क्लोरीन निकला, ये बना, फिर टू मोल्स ऑफ OH माइनस विल टेक दिस टू H प्लस एंड यू विल गेट SO3 टू माइनस. ठीक है, यस. ये रिएक्शन हमने ऑर्गेनिक में किया है कि अल्कोहल्स को SOCl2 के साथ रिएक्ट करो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, यू विल गेट अल्काइल हैलाइड, SO2 गैस, HCl विल बी रिमूव्ड, SNI मैकेनिज्म. यस सर. और एसिड्स को SOCl2 के साथ रिएक्ट करो, एसिड क्लोराइड बनेगा SO2 plus HCl. सेम वे P4 को SOCl2 के साथ रिएक्ट करो, इट विल बिकम PCl3 SO2 एंड S2Cl2. ठीक है, दीज आर द रिएक्शंस ऑफ SOCl2. नाउ कंपाउंड कैन आल्सो एग्जिस्ट एज SO2Cl2 बेटा. SO2Cl2 इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ओके, व्हिच मींस यू टेक SO2 plus Cl2, यू विल गेट SO2Cl2. और PCl5 plus SO3, इससे पहले हमने SO2 से रिएक्ट किया ना, अगर हमने SO3 के साथ रिएक्ट किया तो वो बन जाएगा POCl3 plus SO2Cl2. ओके, सो SO2Cl2 को कहते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड. ओके, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ओके, इट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिल क्लोराइड. सर SOCl2 को क्या बोलते हैं? थायोनिल, थायोनिल क्लोराइड. हां, ओके, डिफरेंस समझ लेना. नेक्स्ट SO2Cl2 को हाइड्रोलाइज करो तो H2SO4 plus HCl बनेगा. वहाँ पे H2SO3 बन रहा था, यहाँ पे H2SO4 बनेगा. ओके, नेक्स्ट SO2Cl2 को NaOH के साथ ऐड कर दो तो यू विल गेट इट एज Na2SO4 एंड NaCl. ओके, नाउ यू सी यूजुअली व्हेन यू टेक एल्केन्स ना, SO2Cl2 हीट करोगे राइट या लाइट दोगे तो ये रेडिकल मैकेनिज्म में जाएगा कि ये ऐसे रिलीज होता है बेटा, S डबल बॉन्ड O क्लोरीन डॉट प्लस Cl डॉट, इस तरह से टूटता है बेटा. ठीक है, और ये रेडिकल Cl रेडिकल फिर ये पूरा मिलके अल्काइल हैलाइड बनाएगा. समझा भाई? सर एक सेकंड, सर पूरा मिलके, चलो मैं मैकेनिज्म लिख देता हूं. सपोज इफ यू हैव S double bond O, Cl, Cl in the presence of H nu. This will initiate the reaction by making a radical. So, इस तरह से radical बनाएगा plus Cl dot. This Cl dot will react with any alkane. You will get this as R dot plus HCl. ठीक है बेटा? अब ये R dot plus
Cl डॉट Cl S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O डॉट, ये बना, तो ये बन जाएगा RCl, फिर ये डॉट डॉट मिलके लोन पेयर बन जाएगा विद SO2। अब समझा कैसे बन रहा है? दिस इज कॉल्ड रीड्स रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक एल्केन प्रिपरेशन में, सॉरी एल्केल हैलाइड प्रिपरेशन में है ये रीड्स रिएक्शन। द रीड्स रिएक्शन, इट इज नोन एज रीड्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट P4 प्लस SO2Cl2 विल फॉर्म PCl5 एंड SO2। इससे पहले हम लोग को PCl3 मिल रहा था यहाँ पर, अब ये ऑक्सीडाइज होकर PCl5 मिलेगा उतने। लास्ट थिंग इज अबाउट द ऑक्सो एसिड्स, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड कितने टाइप के एसिड्स बना सकता है, सल्फर कितने टाइप के एसिड बना सकता है। दिस इज देयर नेम, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नाउ लुक एट इट। सल्फ्यूरस अस तभी होता है बेटा व्हेन इट इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 के नीचे होते हैं। सो +4, +3 जितने भी होते हैं ना वो सारे अस होते हैं। +5, +6 ऑल ऑफ देम आर इक एसिड्स। ओके, सो सल्फ्यूरस, ओनली सल्फ्यूरस मीन्स H2SO3, दैट इज यू कैन सी दैट H2SO3 को हम अगर हम लोग लिखेंगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। पायरोसल्फ्यूरस एसिड, मतलब ये दोनों एसिड्स को जॉइन कर दो वाटर हटा के, ठीक है, H2SO3 ऐसे 2 moles ले लो और उसमें से वाटर हटा दो तो क्या बनेगा, यू विल हैव H2S2O5 ना, तो यही बना, सो दैट इज पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, यस। नाउ पायरोसल्फ्यूरस एसिड में क्या देखना है आपको कि स्ट्रक्चर वाइज दो सल्फर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ये आपको लर्न करने पड़ेगा डायरेक्टली, करेक्ट सर? ये सारे स्ट्रक्चर्स, हाँ बेटा सारे स्ट्रक्चर्स, मतलब इसमें सिर्फ ये एक ही हार्ड है, बाकी सब इजी है। okay. एक ही वाला अननोन है। ओके, दिस H2S2O5 विल हैव सल्फर सल्फर कनेक्शन, तो इसमें सल्फर सल्फर कनेक्शन है, तो ये वाला सल्फर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +5, ये वाला +3, क्लियर बेटा? यस सर। सो दैट इज पायरोसल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड इज H2S2O4, ये सल्फर सल्फर कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड ओ, OH, OH डबल बॉन्ड ओ, देखो ये डबल बॉन्ड ओ नहीं है, दैट्स इट, दैट इज थायोसल्फ्यूरस एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 होंगी। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड तो पता है H2SO4 कैसा होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6, करेक्ट? Yes, sir. Next, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या है ना बेटा, ऑक्सीजन को आपने सल्फर से रिप्लेस किया, बट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन विल रिटेन बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर भी ये सल्फर का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो H2S2O3 विल हैव दिस सल्फर विथ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल दिस सल्फर विथ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ओलियम पता है आपको, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, यही सल्फ्यूरिक एसिड को 2 बार ऐड कर दो, वाटर हटा दो, विल गेट H2S2O7, इसमें SOS कनेक्शन रहेगा, बीच में एक ऑक्सीजन का कनेक्शन रहेगा, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस सल्फर एंड दिस सल्फर इज +6। ओके सर, नेक्स्ट डाइथायोनिक एसिड। ओके, डाइथायोनिक एसिड इज जो भी अभी सल्फर और सल्फर का कनेक्शन होता है ना बेटा, उसको हम लोग थायोनिक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? सो दिस इज सल्फर सल्फर कनेक्टेड, OH, OH, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, एंड सिंस इट इज ग्रेटर देन 4, इट इज एन इक एसिड, सो दैट्स व्हाई इट इज डाइथायोनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट मोनोपेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, मोनोपेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो नोन एज कैरोज एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड ही है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, सो इससे एक पेरोक्सी लिंकेज आ जाएगा, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 ओनली। नेक्स्ट डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8, इसमें एक पेरोक्सी लिंकेज सल्फर और सल्फर के बीच में आ रहा है, सो दैट इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल्सो नोन एज मार्शल्स एसिड। ठीक है, हर साल ये एसिड में से कोई ना कोई एक एसिड पूछा जाता है बेटा उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में,
ऑक्सीडेशन स्टेट या कनेक्शन, SOS कनेक्शन है, SOOS कनेक्शन है, ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ JEE मेन में आता है, लर्न करना उसको. ओके सर. राइट. एंड द लास्ट ऑफ द कंपाउंड इज सल्फ्यूरिक एसिड, व्हिच इज आल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स. ओके सर, किंग ऑफ केमिकल्स क्यों बोलते हैं उसको? सल्फ्यूरिक एसिड लिटरली रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अच्छा. ओके. आइदर एज अ डिहाइड्रेशन, डीसल्फोनेशन, एसिड बेस रिएक्शन और इवन रिडॉक्स रिएक्शन. दैट्स फॉर यही टाइप के रिएक्शंस होते हैं, तो ऑलमोस्ट सब में रिएक्ट हो रहा है. नेक्स्ट यू सी कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस दैट इज अ प्रिपरेशन मेथड. फर्स्ट वी टुक सल्फर, रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, वी गॉट SO2. बराबर. SO2 को फिर हाफ O2 के साथ रिएक्ट करो इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटोक्साइड, सो यू विल गेट SO3. एंड दिस इज डेल्टा एच नेगेटिव, सो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. करेक्ट. तो ये आपको क्या करना है बेटा, SO3 जैसे ही बना उसको हमने वाटर के साथ स्प्रिंकल किया, स्प्रिंकल करते H2SO4 मिलेगा. अब ये जो H2SO4 में, ये हमेशा फ्यूमिंग में रहेगा, फ्यूमिंग मतलब ये अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा, तो उसको स्टेबिलाइज करने के लिए हम लोग एक्सेस ऑफ SO3 ऐड कर देते, तो एक थिक सॉल्यूशन बन जाता है, एंड दैट इज ओलियम. ओके. अब स्टोर करने के लिए ओलियम की तरह स्टोर करेंगे, जब आपको चाहिए कि कुछ परसेंटेज अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए तो सिंपली वाटर ऐड कर दो, तो आपको H2SO4 मिल जाएगा. डन. ओके हां सर. दैट्स हाउ, दैट्स हाउ वी डू, दैट्स हाउ वी प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड. द नेक्स्ट वन इज लेड चैम्बर प्रोसेस. सल्फर प्लस O2 गिव्स SO2, यहां तक तो ठीक है. SO2 प्लस O2, नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ NO2 बेटा, इससे पहले हमने वेनेडियम पेंटोक्साइड लिया ना, एंड वेनेडियम पेंटोक्साइड सॉलिड है बेटा, ठीक है, बाकी ये तीनों गैस है. तो ये जो कैटलिस्ट यूज किया ना हमने, ये कैटलिस्ट सॉलिड है, बाकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस है, तो इसको कहते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. राइट. हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. सो व्हेनेवर द कैटालिसिस इज हैपनिंग इन अ हेट्रोजीनियस वे. But here, sir, the SO3 which is there, that catalyst is solid while all others are gases. ठीक, बाकी सब गैस. Awesome. Now here the same thing. Here all of them are gases, including the catalyst. NO2 is acting like a catalyst, and that is also gaseous state. इसको वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन होमोजेनस कैटालिसिस. ठीक है. देखो बेटा, होमोजेनस कैटालिसिस के दो मेजर एग्जांपल्स हैं, एक तो ये है और दूसरा है एस्टरिफिकेशन. एस्टरिफिकेशन में भी एसिड वाटर है, एसिड लिक्विड स्टेट में है, एल्कोहल लिक्विड स्टेट में है, एसिडिक सोल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में है ना, विच इज यूज एज कैटलिस्ट, एंड एस्टर फॉर्मेशन इज ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट. समझा? Yes. So that is an example of homogeneous catalysis, and this is another example of homogeneous catalysis. Heterogeneous के दो example है बेटा. एक तो Born-Haber process, nitrogen plus hydrogen giving ammonia in the presence of iron. तो iron solid हो गया. Awesome. और ये दूसरा वाला, vanadium pentoxide use करके SO3 बना. तो ये दो दो examples याद हो जाएंगे. तो अभी तक JEE में यही दो एग्जांपल्स पूछा गया, विच ऑफ देम इज होमोलिटिक, विच ऑफ देम इज हेट्रोलिटिक कैटालिसिस. ओके. यस. सी द मैकेनिज्म. SO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NO2 इज बिकमिंग SO3 प्लस NO, और ये NO फिर से O2 के साथ रिएक्ट करके NO2 बना रहा है. तो ओवरऑल रिएक्शन में SO2 प्लस O2 इज गिविंग SO3 ओनली. राइट. दैट्स हाउ इट इज लेड चैम्बर प्रोसेस. ठीक है. Yes. Now see the properties. H2SO4 is colorless, odorless and oily liquid. Okay, oily इसलिए है क्योंकि strong hydrogen bonding होता है इसमें, and it would have high boiling point because of strong hydrogen bonding. It is a dibasic acid. It will release H+ two times. First time Ka value is very very high, 10^-8 कुछ है इसका, -7, -10^8 इसका value है. Correct. Okay. So very high. While Ka2, if it is HSO4 minus, it lacks as slightly weak acid, which is 1.2 × 10^-2. Okay?
नेक्स्ट रिएक्शंस, H2SO4 का मेजर रिएक्शंस बेटा या तो एसिड बेस रिएक्शन है या डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन, लाइक फॉर्मिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, इसमें से वाटर हटा दो, OH एंड H, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O बन जाएगा, ओके? अगर हमने ऑक्सैलिक एसिड लिया, ऑक्सैलिक एसिड में से वाटर हटा दो, यहाँ पे H2O और एक O हटा दो, तो ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाइऑक्साइड प्लस वाटर, समझा? यस सर। ग्लूकोज, ग्लूकोज में से वाटर हटा दो, सो 6 मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा, तो क्या बचा? सिर्फ कार्बन, इसको कहते हैं चैरिंग ऑफ सुक्रोज, मतलब सुक्रोज को आप ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर रहे हो, ब्लैक कलर कार्बन, दैट इज चैरिंग ऑफ सुक्रोज। नेक्स्ट, एसिड एक्टिंग लाइक अ एसिड विद सॉल्ट्स, NaCl के साथ ये HCl वेपर दे देगा और Na2SO4 बन जाएगा, CaF2 के साथ HF वेपर्स दे देगा, CaSO4 प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ओके? बट NaBr के साथ क्या करेगा? Now concentrated H2SO4 will show more oxidizing property. ऐसा क्यों? देखो बेटा, Cl minus का oxidizing value बहुत कम है, F2 का तो और भी कम है, क्योंकि इसका reduction potential बहुत ज्यादा है ना, F2 minus getting reduced is more, correct? Compared to that of it is getting oxidized, isn't it? Yes. तो क्लोरीन कभी भी Cl2 में या ये F2 में कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, बट H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज मोर देन Br- एंड I- बेटा, ठीक है? अच्छा, देयरफॉर अब ये Br- को Br2 में कन्वर्ट कर देगा, I- को I2 में कन्वर्ट कर देगा, एंड यू विल हैव वेरी स्मॉल ट्रेसेस ऑफ HBr एंड HI प्रेजेंट, ठीक है? ओके सर, मिनटो बेटा, यस सर। नेक्स्ट, सी H2SO4 रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, टेक कार्बन, कार्बन कैन इजिली गेट ऑक्सीडाइज टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सल्फर विल गेट रिड्यूस टू सल्फर डाइऑक्साइड, एंड इफ यू ट्रीट विद सल्फर, ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है SO2 में, H2SO4 रिड्यूस हो रहा है SO2 में, तो ये दोनों मिलके SO2 ही बनाएंगे, ओके? ओके, राइट। नाउ रिएक्शन विद मेटल्स, इफ यू सी जिंक, जिंक ऑन डाइल्यूट H2SO4 विल गिव यू ZnSO4, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी ZnSO4 और थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी कर, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो H2SO4 इसमें थोड़ा सा रिड्यूस भी हो जाएगा एज SO2। कॉपर, कॉपर डज नॉट गिव H2 गैस ना बेटा, इट ओनली रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड गिव CuSO4 प्लस SO2, दैट्स इट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जिंक एंड कॉपर। अभी मैं टाइप्स लिखता हूँ, कॉपर जैसा टाइप कौन कौन से है? सिल्वर एंड मर्क्यूरी और सिमिलर टू दैट ऑफ कॉपर। जिंक जैसे टाइप कौन कौन से है? टिन, लेड, आयरन, ओके, एंड कैडमियम, करेक्ट, निकल, 1, 2, 3, 4, 5 और एक भूल गया मैं, कोबाल्ट, ये सारे जिंक टाइप के हैं। तो सेम टाइप ऑफ रिएक्शन देंगे जैसे कि जिंक दे रहा है, ठीक? यस सर, हाँ। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट ग्रुप 16 बेटा। आई होप यू गॉट दिस नाउ। यस सर। One second.